माय नेम इज मेहर, वेलकम टू माय चैनल शेख मेहर 777। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं पूरी भाजी। बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी है और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। बच्चों को आप टिफिन में भी बना के दे सकते हैं, घर में कुछ मेहमान आ जाए तो अर्जेंट में आप बना सकते हैं कभी भी एनी टाइम। चलिए उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो देखिए। ये हमने 250 ग्राम मैदा ली है, एक कटोरी सूजी ली है, तकरीबन 3 टेबल स्पून के जितनी है सूजी, हाफ टी स्पून हमारा सोडा खार जो बोलते हैं वो जाएगा, नमक टेस्ट के हिसाब से। ये हमारा पूरी का सामान है, इसको हम अलग हटा देते हैं। अब हम भाजी के लिए बताते हैं। हमने 250 ग्राम बटाटा लिए थे यानी कि आलू, उसको बॉईल करा, उसके पीसेस बना लिए, देखिए छोटे छोटे हमने छुरी से काट के, और थोड़ा थोड़ा सा मैश भी करा है, पूरा मैश नहीं करा। एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा, एक मीडियम साइज का टमाटर जाएगा, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स जाएगा यानी कि धनिया की पत्ती जाएगी, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर जाएगा यानी कि हल्दी का पाउडर, हाफ टेबल स्पून जाएगा, हाफ टेबल स्पून हमारा चिली पाउडर जाएगा, और 1 टीस्पून हमारी राई दाना जाएगा, और 4 से 6 हमारा कड़ी पत्ता जाएगा। चलिए सबसे पहले हम अपना पूरी का आटा लगा लेते हैं, उसका डो बना के रख लेते हैं, क्योंकि इतने वो कलेगा, इतने हम भाजी को तैयार कर लेंगे, फिर हम आपको पूरी बताएंगे। ये देखिए, देखिए हम आटे में, मैदा में अपनी ये रवा मिला लेंगे जो हमारा 3 टेबल स्पून के जितना है। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। सोडा जो है हमारा, ये भी हम पूरा डाल देंगे जितना हमने बताया था आपको, और थोड़ा सा तेल डालेंगे, 2 टेबल स्पून के जितना हम तेल डाल देंगे। और इसे अच्छे से हाथ से पहले मिक्स कर लेंगे। सूजी डालेंगे, जो रवा है हमने इसलिए डाला है कि पूरी अच्छी हमारी क्रिस्पी भी बनेगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, अलग सा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर सूजी से। जैसा कि हम अपना आटा सानते हैं घर में, वैसे ही हमें इसका डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप अपने हिसाब से, जैसा आप बेल के जितना गीला आपको लगता है, जितना टाइट आपको लगता है, वो हिसाब से आपको बनाना, आपको अपने हिसाब से बनाना है। ये देखिए हमारा आटा तैयार है, अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। मैंने हल्का सा ऑयल लगा दी, इसको साइड में रखेंगे, फिर हम आपको भाजी बनाना बताते हैं। इसको ढक के रखेंगे और फिर हम आपको भाजी बनाना बताएंगे। देखिए हम भाजी बनाना बता रहे हैं। सबसे पहले हम तेल, चूल्हा मैंने चालू कर दी हूँ, कढ़ाई रख दी हूँ, उसके अंदर तेल डाल दी हूँ, तेल हमारा हो चुका है। सबसे पहले हम राई डालेंगे, राई दाना डालेंगे, फिर कड़ी पत्ता डालेंगे, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, फिर टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद में नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। हल्दी डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं, 1 टेबल स्पून के जितना। मसाले को अच्छे से भूनने देंगे। ये देखिए हल्का सा मसाला हमारा भून चुका है, तेल हमारा पूरा छूट गया है। अब इसको थोड़ा सा टमाटर को हाथ चम्मच से ऐसे कर देंगे कि मिक्स हो जाए मसालों में, और ये जो हमारा बटाटा है इसके अंदर हम थोड़ा पानी डालेंगे, आधा गिलास के जितना, और पानी डाल के हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए इतना हमने, जितना आपको थिक चाहिए तो आप थिक भी रख सकते हैं, आप चॉइस आपकी है, मुझे इतना पसंद है। और बाजार में आप खाओ, कहीं किसी रेस्टोरेंट में आप खाओ तो देखो इतना ही पतला मिलता है, एकदम रेस्टोरेंट के जैसा ही बनेगा। और इसको थोड़ा सा हम पकने देंगे 2 से 3 मिनट, और फिर हम पूरी आपको बनाना बताते हैं।
चलिए हम अपनी पूरी बना लेते हैं। देखिए आटा बहुत अच्छा गल गया है, बहुत अच्छा है। ये देखिए कितना नरम हो गया है, जैसा आप बनाना चाहो वैसा बना सकते हो। ये देखिए छोटा सा मैं एक दो ही बनाऊंगी और मैं आपको पूरी बनाना बताती हूँ। आप अगर चाहो तो सूखा आटा ले सकते हैं, नहीं तो ऑयल लगा के भी आप बेल सकते हैं, लेकिन ऑयल में तली जाएगी तो ज्यादा ऑयल लगाएंगे तो थोड़ा ऑयली ऑयली रहेगा। मैं थोड़ा सूखा आटा लगा के करूंगी, लेकिन थोड़ा ही लगाना है, नहीं तो तेल में वो जलता है। आपको नहीं जमता तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमारी पूरी रेडी है। ऐसे ही मुझे तीन चार पूरी रेडी कर लूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ फ्राई करना। देखिए चूल्हा मैंने चालू कर दी हूँ, पैन उस पर रख दी हूँ और ऑयल उसके अंदर डाल दी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये मैंने तीन पूरी बेली हूँ, अब ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए ऐसे ही हम अपनी और पूरी भी डाल देंगे। दो दो पूरी करके हम तलते हैं। ये देखिए हमारी पूरी रेडी हो चुकी है, पूरी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल के आपको सर्व करके बताते हैं पूरी भाजी। देखिए हमारी पूरी भाजी तैयार है, एकदम रेस्टोरेंट होटल के जैसी है, बहुत अच्छी है और कितनी जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही अच्छी लगती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।